जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद। यह कक्षा आपको इनफिनिटी वन एकेडमी की तरफ से लाई जा रही है, जिसमें आज हम आपको 11th क्लास का, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में, और क्लास 11 चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व हमको ज़रूरत क्यों पड़ते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले यह चैनल अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखते हैं कि जो हम यह शब्द है जिसमें इलेक्शन के बारे में और रिप्रेजेंटेशन के बारे में, आपके प्रतिनिधित्व जो करते हैं उसके बारे में, तो जरा देखते हैं इलेक्शन क्या है। यह इलेक्शन किसी भी देश को उसके लोकतंत्र होने का प्रमाण दिलाता है कि यह व्यवस्था लोकतांत्रिक है, डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। जिसमें हम अध्ययन करते हैं कि इलेक्शन के बारे में, तो इलेक्शन उन देशों का यह एक लोकतंत्र के लिए एक रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसको कहते हैं, कि जिसमें लोग अपने में से या खुद या अपने द्वारा किसी एक प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और इन रिप्रेजेंटेशन को और रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनका, और वह प्रतिनिधित्व उनके हित के लिए नए कानूनों का निर्माण करती है, ठीक है। यह इलेक्शन भारतीय लोकतंत्र के लिए मील के पत्थर के समान है कि यह समय समय पर हर एक 5 साल पर आप देखते हैं कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव के माध्यम से, या हर एक 5 साल पर पंचायती राज्य में चुनाव के माध्यम से, या भारत में लोगों के लिए गणतंत्र, स्वतंत्रता, संप्रभुता, सोवरेनिटी, डिग्निटी, इन सब को सुनिश्चित करने का काम करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए यह एक बैकबोन का काम करता है। जो लोग आप डेमोक्रेसी में अपने बातों को कहते हैं, अपने बातों को किसी के समक्ष रखने का काम करते हैं, यह उनके लिए यह रीढ़ की हड्डी के समान है। जिस तरह से आप आर्टिकल 19 के तहत अपनी बातों को कहते हैं, मीडिया को अधिकार मिला हुआ है, आपको घूमने का अधिकार मिला हुआ है, उसी तरह से आर्टिकल 14 आपको इक्वलिटी बिफोर लॉ देता है, जिसमें आप देखते हैं आर्टिकल 16 आपको नियोजन एवं, जैसे आप रोजगार करने के लिए किसी भी जगह पर जा सकते हैं, कर सकते हैं, उसी तरह से आर्टिकल 17 आपके साथ कोई अगर निम्न जाति का बच्चा बैठा हुआ है, या निम्न जाति के कोई बच्चे बैठे हुए हैं, या कोई अन्य बैठे हुए हैं, तो आप उनसे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अगर अनटचेबिलिटी, अगर हम किसी के साथ छुआछूत, भेदभाव, रंग भेद के, जाति आधार पर हम किसी के साथ अगर भेदभाव करते हैं, तो कानूनन अपराध होगा और आर्टिकल 14 के तहत आपको वहां पे सजा भी सुनाई जाएगी, ठीक है। ये सारी बात अब हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं, या 11वीं की आप देखते हैं चैप्टर 3 है, इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हम देखते हैं, या आपका जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए इसमें कहता है, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस। वी शैल फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेथड ऑफ इलेक्शंस चूजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस एंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पार्टिशनल मैसनरीज फॉर द कंडक्टिंग इलेक्शन। उसी चीज को देखते हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन चूजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग इम्पार्टिकल मैसनरीज फ्रॉम कंडक्टिंग इलेक्शन, ठीक है। जिसमें अगर हम चर्चा करते हैं, कहता है कि इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधियों के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अपने संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है, हम उसके महत्व और चुनाव कराने की निष्पक्ष मशीनरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, हम उन्हें भी देखेंगे।
किस तरह से मशीनरीज है और भारत में किस तरह से इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया है, जो इलेक्शन कमीशन है उस इसी उसको शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भारत में ईसी बोलते हैं और जिसको कमीशन बोलते हैं, इसको हिंदी में चुनाव आयोग बोलते हैं। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और भारत में चुनाव आयोग की भूमिका क्या रही है और भारत में जो चुनाव आयोग है वह किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन की, जिसमें कोई फेयर नहीं हो, निष्पक्ष कोई फेयर नहीं हो, वैसे इलेक्शन कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को कहता है इलेक्शन डेमोक्रेसी, चुनाव और लोकतंत्र। देखिएगा ये जो आपका पहला टॉपिक इसमें कहता है, इलेक्शन डेमोक्रेसी। इलेक्शन डेमोक्रेसी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह जो इलेक्शन डेमोक्रेसी है, इलेक्शन डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि यह क्या कहता है, जो चुनाव है वह लोकतंत्र के लिए, चुनाव और लोकतंत्र क्या होते हैं। कहता है ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट इन द मेकिंग एवरी डिसीजंस, देयर फोर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस इज हाउ इलेक्शंस बिकम इम्पोर्टेंट। जिसमें कहा कि अब हम सब लोग हैं भाई, पूरे देश पर मात्र 790 लोग राज करता है, पूरे देश पर मात्र 791 लोग राज करता है। कैसे करता है बता दे, बताते हैं। लोकसभा राज्यसभा अगर मिला करके अगर हम चर्चा करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके 545 और 245, कुल मिलाकर के सुनना, कुल मिलाकर के सुनना, और 8 4 1 9 और इधर 5 2 7 और प्लस एगो राष्ट्रपति ताऊ को भी जोड़ दीजिए, कुल मिलाकर के 791 लोग पूरे भारत पर राज करते हैं। अब आप कहिएगा कि राज्य में विधानसभा है वो कहाँ आपका है, छोड़ दिए उसको, तो कारण है कि राज्य की विधानसभा की शक्ति भी कभी कभी इनके द्वारा हनन कर ली जाती है, उनका ये लोग शोषण कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको बताया था पिछली कक्षाओं में कि अगर लोकसभा राज्यसभा जो कानून बनाती है, ठीक है, राष्ट्रपति का अंतिम मोहर लगता है, ठीक है, अगर और विधानसभा में जो कानून, मान के चलिए कोई स्टेट यूपी हो गया, योगी बाबा का सरकार चल रहा है, बड़े मजे में जी रहे हैं, तो वहां पे सपोर्टेड कोई कानून उनके द्वारा बना दिया गया, अब राज्य केंद्र सरकार कहती है कि नहीं यह कानून गलत, राज्य सरकार कहती है कि सही है, अब दोनों में जब उठापटक होने लगेगा ना, तो जो केंद्र द्वारा कानून बनेगा वही कानून वैलिड होगा। इसीलिए कहते हैं कि 791 लोग मिलके पूरे भारत पर राज करने का काम करते हैं, रूल करते हैं, पूरे शासन चलाते हैं, ठीक है, मेन इन्हीं का रोल होता है। आगे देखिएगा, उसी तरह से कहा कि अब इसमें कहा कि सब लोग तो इलेक्शन में नहीं जा सकते हैं, और सब लोग चलेंगे लोकसभा राज्यसभा भर जाएगा, छतरी पर बैठेंगे नहीं ना, बैठेंगे छतरी पे नहीं बैठेंगे, तो इसीलिए हम में से जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे या अनपढ़ गंवार भी लोग हैं, राष्ट्रपति के लिए योग्यता की जरूरी है नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरी है नहीं है, आप लोग नहीं भी पढ़ोगे भारत का प्रेसिडेंट बन जाओगे, बस भारत में जन्मल हो, बाबू मतारी भारत के हो, सब कुछ हो, और कभी क्राइम उराइम नहीं किया हो, चोरी चमारी नहीं किया हो, गुंडागिरी नहीं किया हो, हवाला दिवाला ये सब पैसा वैसा नहीं लिया दिया हो, तो तुम 35 साल पूरा लेना, राष्ट्रपति बन जाना, ठीक है, प्रेसिडेंट तुम बन सकते हो, आप लोग भी बन सकते हैं, ठीक है। इसीलिए लोकतंत्र में इलेक्शन, इसलिए यहाँ पे जो लोकतंत्र है यहाँ इलेक्शन की बात इसलिए करता है कि अब भारत की आबादी 125 करोड़, मोटा मोटी 125 करोड़, अब 125 करोड़ लोग जाकर के लोकसभा या राज्यसभा में बैठेगा तो सीट रहेगा, बिल्डिंग उखाड़ के लेके घरे चला जाएगा। इसीलिए हमारी इंडियन डेमोक्रेसी में इस चीज को एक प्रावधान किया गया है, कंडीशन है कि सुनिए, आप लोग में से 10 लाख लोगों में से या 15, जो भी 10% या 15% बताया था ना, कि सीट निर्धारित कीजिए कि जो आपकी पॉपुलेशन है ना
जो पॉपुलेशन है उनमें से 15% पर एक लोगों को चुन लेंगे और चुन करके वहां बैठा देंगे। अब वो ससुरी की अब 15 मान के चलिए 15% जनसंख्या का मतलब 1 करोड़ में 15 लाख, तो 15 लाख में एक को बुद्धिजीवी होगा और सब निठल्ला हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जनता लाइक करी, पसंद करी, सब्सक्राइब करवाया जनता ने, ठीक है, उन्हीं को वहां भेजने का काम करा। कहाँ? संसद में। कहाँ? संसद में। इट्स कॉल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट में भेजने का काम करा। तो इसीलिए लोकतंत्र में सब लोग तो जा नहीं सकते हैं, तो कुछ लोगों को भेजने के लिए सब लोग मिलकर के हुकदम हुकदम करते हैं, या कुछ लोग देखते नहीं है, वोट दो इनको, वोट दो इनको, जिताओ करते हैं, भूखे प्यासे लह करके उसके लिए वोट मांगता है। बाद में वो मर्सिडीज चढ़ता है, वो लोग वहां तो भुइया में पैदल वाला को चिन्हबो नहीं करता है, वो जो राजनेता होते हैं, लेकिन फिर भी लोकतंत्र में उनको जिताया जाता है कि लॉ मेकिंग का काम उन्हीं के द्वारा होता है, इसीलिए उनको वहां पे स्टेब्लिश किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। ऑल सिटीजन्स कैन नॉट टेक डायरेक्ट पार्ट्स इन द मेकिंग एवरी डिसीजन, देयरफॉर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दिस इज हाउ इलेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट। बताया अभी किस तरह से इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट होने के कारण क्या होता है कि लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी होती है उनमें मेन मेन जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी या अनपढ़ गवार बुद्धिजीवी, उनको भेज दिया जाता है। यूं कहो उनके लिए भी एक क्राइटेरिया होनी चाहिए कि उनकी भी एक क्वालिफिकेशन की जाए कि वह कम से कम इंटर पास हो या ग्रेजुएशन पास होनी, उनकी भी एक क्राइटेरिया निश्चित होनी चाहिए, तब जाकर के देश का सुधार होगा, नहीं तो बेड़ा गर्क तो होते ही जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर देखिएगा, कोई भी निर्णय लेने से सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले सकते हैं, और अतः लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, इसीलिए चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिएगा, वी ऑफन डिस्टिंग्यूज बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी एज वन वेयर द सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट जिसके माध्यम से क्या कहा, इन्होंने कहना शुरू किया, इन्होंने कहा कि हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर बनाते रहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने के सीधे भाग लेते। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन भी हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। जो इलेक्शन होते हैं एक डायरेक्ट होते हैं और एक इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट होते हैं जिसको प्रत्यक्ष बोलते हैं और अप्रत्यक्ष बोलते हैं। ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होते हैं, इसमें आप आते हैं, आप यू YOU, मतलब आप इसमें डायरेक्ट भाग लेते हैं और इसमें आपके द्वारा चुने हुए लोग शामिल होते हैं जो इनको वोट दे करके इनको चुनते हैं। तो इसमें आप दो चीज देख लीजिएगा, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव, ये दोनों का डायरेक्ट होता है, और इसमें लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव में इसमें भी लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव में आप जैसे देखते हैं एक लोकसभा, तो लोकसभा का कैसे होता है, जो विधायिका होती है, आपने देखा था विधायिका पढ़ा था, कार्यपालिका पढ़ा था, तो जो लोकसभा होती है वह डायरेक्ट होती है और राज्यसभा इनडायरेक्ट होती है, उसी तरह से विधानसभा डायरेक्ट होती है, जहां सभा लगाना मतलब वो जनता उसमें पार्टिसिपेट करती है, और विधान परिषद जहां लग गया वहां पे जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधित्व है उनके द्वारा इसका चयन किया जाता है। लेकिन थोड़ा विधान परिषद का कंडीशन अलग होता है, जिसमें और भी लोग कुछ भाग लेते हैं, जैसे जो ग्रेजुएट मेंबर्स हैं या जो स्कूल वगैरह के कुछ टीचर्स वगैरह होते हैं उनका उनका सिचुएशन अलग होता है। फिर कभी हम चर्चा करेंगे विधान परिषद का, उसमें हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल इतना के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक हो गई खाने पीने लायक? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को आगे क्या कहा, सिटीजन्स आर इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली थ्रू
through their elected representatives in this agreement, where all major decisions are taken by elected representatives. The method by which is the people elected their representatives becomes very important. और जो चयनित जनता है, elected जनता है, उनके द्वारा लॉ मेकिंग का काम होता, अभी बताया, यही बात कह रहा है। आगे देखिए, फिर क्या कहा, इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारत में चुनाव व्यवस्था कैसी है, तो कहता है कि इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन पीपल वोट एंड देयर प्रेफरेंस डिसाइड हु विल विन द कॉन्टेस्ट, बट देयर कैन बी वेरी डिफरेंट वेज इन विच पीपल मेक देयर चॉइसेस एंड very different ways in which their preferences can be counted, जिसमे कहा खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी, और कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है और कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ी दलों का मदद मिलता है। उसके बाद कहता है कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में जाते हैं तो कुछ ऐसे जाते हैं अल्पसंख्यकों के संरक्षण होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि भारत में जो चुनाव होती है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में भी माइनॉरिटी और मेजोरिटी को ध्यान में रखा जाता है। माइनॉरिटी में आप देखते हैं कि जैसे SC ST समुदाय है या जो अत्यंत पिछड़े लोग हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करके कुछ सीट उनके लिए आरक्षित की गई है कि सपोर्ट डेट वह ज़्यादा तो पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन एरिया ही उनके लिए संरक्षित कर दिया गया है कि इस एरिया से आपका सिलेक्शन होगा तो आप ही की कम्युनिटी का होगा, दूसरे कॉम का नहीं होगा, इसलिए उनको एक प्रिविलेज मिल जाता है। आगे देखिए, उसी चीज को कहा, द इंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कंस्टिट्यूएंसीज, ईच कंस्टिट्यूएंसीज elect and representatives and their candidate who secures the highest number of votes in that constituencies in the declared elected. It is important to note that in these systems, whoever has more votes than all other candidates is declared election. This method is also called the plurality systems. This is the method of the election prescribed by the constitution. मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहा कि जो आप टोटल कंस्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं तो 543 है। दो बताया था, दो एंग्लो इंडियन के बारे में बताया था, उनको जनता नहीं चुनती है, वह राष्ट्रपति के रहम कर्म पर पलते हैं, ठीक है, उनके द्वारा वह चुने जाते हैं। लेकिन 543 सीट है तो आप खुद जोड़ लीजिएगा, 543 सीट है, 125 करोड़ जनसंख्या है, तो 543 125 ध्यान में रख लीजिएगा, विशेष बात बाद में करेंगे। यानी कहने का मतलब है जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल के जनता को चयन किया गया है, तो मैथ में परसेंटेज पढ़े थे, निकाल लीजिएगा घर जा करके, ठीक है। आगे उसी तरह से देखा, जितने भी कंस्टिट्यूशन है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और द कैंडिडेट्स हु सक्सेसर इन द हायर नंबर ऑफ अ वोट, और जो ज्यादा वोट लाता है वही उसमें सिलेक्ट होता है, उन्हीं को चयन करके भेजा जाता है। आगे देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस सिस्टम हुएवर हैज मोर वोट्स देन All other candidates is the declared elected. यानी दूसरे कैंडिडेट से अधिक वोट लाता है उसको declared घोषित किया जाता है, और this method is also called the plurality system. इसको plurality system कहा जाता है, ठीक है। This is the method of election उसके prescribed by the constitution, जिसमें कहा कि संविधान इसी विधि को स्वीकार करती है, ठीक है। और भारत में जो सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट के माध्यम से लोग वोट चयन करते हैं। जैसे आप 18 साल के होते हैं, फिर आप बालिक हो जाते हैं, बालिक होने के बाद भाग भूख के शादी उदी भी कर सकते हैं, कोई आपका कुछ नहीं करेगा। और लड़का के लड़की के लिए 18, लड़का के लिए 21,
अब कोर्ट के सामने खड़े हो जाइएगा, हुकुम हम तो कर लिए, जहां पना हमने तो निकाह कर लिया, अब आप ही बचाओ, हम क्या करें, मम्मी पापा डंडा लेके दौड़ा रहे हैं, भाई ढूंढ रहा है। तो यह कहने का मतलब होता है ऐसा नहीं कीजिएगा, लेकिन फिर भी इन द सेंस ऑफ आप एक मैच्योर लेवल पे आ जाते हैं, और उन मैच्योरिटी के बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है यू आर एबल टू वोटर, वोटिंग सिस्टम, आप एक वोटर के तौर पर वोट देने के लिए एबल हो जाते हैं, और फिर उसके बाद भारतीय संविधान में आपको एक प्रमाण देता है, कहता है आप ऑथराइज हो गए हैं, आप दुनिया में पैन कार्ड भी बनवा सकते हैं, इनकम टैक्स भी भर सकते हैं, और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, खूब फंसाइएगा, खूब खाइए पीजिएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले का इसके बाद ही देते हैं ज्यादातर, लेकिन फिर भी आप एक तरह से एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इसको समझना जरूरी होता है कि ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व होती है या क्या होती है और क्या कहती है, जिसमें कहता है ईच पार्टी इज फिल्ड इट्स कोटा ऑफ सीट्स बाय पिकिंग्स दोज मे ऑफ इट्स नॉमिनीज फ्रॉम अ प्रेफरेंसेस लिस्ट दैट हैज That has been declared from before the elections. The system of election is called the proportional representations, PR system बोलते हैं. In this systems, a party get the same proportion of seats as its proportion of votes. जिसमें कहा कि प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों से की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में से चुन लेती है, और जिनकी जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिनिधित्व सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसमें क्या कहा कि जैसे चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक कहते हैं, मतलब प्राथमिकता सूची में चुन लेते हैं। जैसे अब मान के चलिए कोई बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी को सीट आवंटित किया गया कि यह एक सूची बनाई गई, यह 20 सीट इनको मिले, 20 सीट इनको मिले। फिर से एक बार इसको देख लो। इसमें कहा प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों से की एक प्राथमिकता सूची जारी की, मतलब ये बीजेपी पार्टी है, एक इन्होंने सूची जारी की, यानी एक इंडेक्स इन्होंने जारी करने का काम करा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इंडेक्स जो जारी किया और अपने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लिया, मतलब इसके जो प्रत्याशी थे उसी में से किसी को यह सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, जब यह सिलेक्ट करता है, चुन लेता है, तो जितनी सीट का कोटा उसे दिया जाता है, मतलब कहा अभी इसको 20 सीट का एक कोटा दिया गया कि आपकी यह 20 सीट निर्धारित की जाती है कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी वगैरह से अब 20 जगह से इतने सीट आपको है, आप यहां से चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है, फिर कहा समान उसके बाद और चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक, जिसको पीआरटी, इनके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बोलते हैं, इसी को अगर हम चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें हम इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बोलते हैं, इसी को पीआरटी सिस्टम बोलते हैं, इसी को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। लिख लीजिएगा, समानुपातिक निधित्व प्रणाली मतलब क्या कहा
एक पार्टी होती है, वह अपना सीट निर्धारित कर मतलब वह अपने प्रतिनिधित्व में से कुछ प्रतिनिधित्व को चुनती है, उनको जो कोटा दिया जाता है उसी कोटा को यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, जिसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, पीआरटी सिस्टम इनको शॉर्ट में कहते हैं। चलिए आगे देखिएगा, इन इंडिया वी हैव एडॉप्टेड पीआर सिस्टम ऑन अ लिमिटेड स्केल फॉर द इनडायरेक्ट इलेक्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोस्पेक्ट्स थर्ड एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएशंस ऑफ द पीआरटी सिस्टम फॉर द इलेक्शन एंड प्रेसिडेंट्स वाइस प्रेसिडेंट्स एंड फॉर द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा एंड द विधान परिषद। यानी यह जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है यह सबके लिए नहीं है, यह आप ध्यान दीजिएगा, यह अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट साहब प्लस में वाइस प्रेसिडेंट साहब प्लस में फॉर इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा एंड विधान परिषद, इन्हीं के लिए इलेक्शन करवाई जाती है। मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद राज्यसभा और विधान परिषद, इन्हीं के लिए यह सिस्टम लागू होती है। तो हमने देखा, अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधित्व होते हैं, और भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। मतलब वह जो हमने अप्रत्यक्ष रूप से देखा था, पीआरटी सिस्टम जो देखा था हमने, पीआर सिस्टम जो देखा था, जिसमें हमने देखा था प्रेसिडेंट साहब, वीपी वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हमने राज्यसभा के लिए देखा था और प्लस हमने विधान परिषद के लिए देखा था, और केवल इनका इलेक्शन होता है, जो इनका इलेक्शन होता है यह इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से इनका हम लोग इलेक्शन करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तरीका और जटिल स्वरूप प्रस्तावित कर सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, कंपैरिजन ऑफ एफपीटी एंड पीआरटी, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, जरा उनको देखिएगा। ये दो सिस्टम होती है, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, और दूसरा देखिएगा पीआर सिस्टम। ये दोनों के बीच में जो कंपैरिजन होती है, फर्स्ट पास्ट, हाँ, एफपीटीपी, और दूसरा हम देखते हैं पीआर, यह दोनों के भर्सेज अगर हम बीच में देखते हैं, अगर कंपटीशन की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, आपने देखा कि यह जो सिस्टम है यह इनडायरेक्ट चुनाव के लिए है। ठीक है, आपने देखा अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए यह सिस्टम है, जिसमें कहा द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू ए स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट। आपने देखा कंट्री के जो पार्ट होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कंस्टिट्यूएंसीज बनाते हैं। कंस्टिट्यूएंसीज जब बना दिए तो उसी जगह पर अगर हम बात करते हैं तो लार्ज ज्योग्राफिकल एरियाज आर, तो इसमें इसमें स्मॉल ज्योग्राफिकल एरियाज की अगर बात करते हैं, यानी छोटा भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। यूनिट इज अ कॉल्ड, यूनिट इज कॉल्ड कंस्टिट्यूएंसीज, कंस्टिट्यूएंसीज, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट में भी बंटे होते हैं। आप जानते हैं कि जिला परिषद जो बनते हैं, जिला से ही जिला परिषद बनते हैं, जिला से ही जिला परिषद बनते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा फिर आगे क्या कहता है, उसी चीज को इसमें कहा, या लार्ज ज्योग्राफिकल अगर बात करते हैं, इसमें क्या होता है, लार्ज ज्योग्राफिकल
एरिया मतलब बड़े पैमाने पर राज्यसभा में देखते हैं बड़े पैमाने पर, क्यों? क्योंकि आप देखते हैं राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या 245 है, जिसमें केवल 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 इलेक्शन कितने का होता है, मात्र 233 का इलेक्शन होता है। आप जानते हैं कि यहाँ केवल 233 का होता है, तो यह लार्ज स्केल पर इसको हम लोग क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। उसी तरह से हम देखते हैं एरियाज इन द डेमोक्रेटिक कंस्टिट्यूएंसी, तो ठीक है, लार्ज एरियाज आपने देखा आर डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटेड सॉरी डेमोक्रेटेड एज कंस्टिट्यूएंसीज, तो ध्यान दीजिएगा, द इंटायर कंट्री में भी सिंगल कंस्टिट्यूएंसीज, और ये सिंगल कंस्टिट्यूएंसीज होता है। आगे देखिएगा इसी जगह पर इसमें क्या होता है, एवरी कंस्टिट्यूएंसीज इलेक्ट और रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे जितने भी कंस्टिट्यूएंसीज होते हैं वहां इलेक्ट एंड रिप्रेजेंट की बात होती है, जो चुना जाता है उनमें से और रिप्रेजेंट की जाती है। उसी तरह से हम चर्चा करते हैं तो फिर इसी में उधर वाले में ही देखते हैं, कहता है वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट, और जो वोटर होते हैं वोटर वोट्स फॉर द कैंडिडेट, वोटर कैंडिडेट को वोट देते हैं। उसी तरह से कहा कि अ पार्टी मे गेट मोर सीट्स देन वोट्स इन द लेजिस्लेचर, कैंडिडेट्स हु विंस द इलेक्शन में नॉट गेट अ मेजोरिटी 50% प्लस 1। मतलब कहने का मतलब जितने कहने का मतलब वही पार्टी इसमें सरकार बना सकती है जिसमें 50% और प्लस 1 अगर जिसके पास होगा मंत्री, मंत्री क्या उस कहने का मतलब टोटल विधायकों की संख्या, तो कहने के बाद उसी की पार्टी यहां पे बनेगी, ठीक है, ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल में यूके इंडिया, यहां पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं यूके भी उसी तरह से है, और प्लस में इंडिया यहां भी ऐसे ही किया जाता है बाबू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें, तो कहा मोर देन द रिप्रेजेंटेटिव्स मे बी इलेक्टेड फ्रॉम वन इलेक्टेड फ्रॉम वन कंस्टिट्यूएंसीज वोटर्स वोटर्स वोट्स फॉर द पार्टी, मतलब इनमें से ज्यादातर लोग जो इलेक्टेड जो होते हैं उनके द्वारा इनमें ज्यादा ज्यादा सीट इनके पास होती है, इनके द्वारा इनका चयन किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए फिर कहता है एवरी पार्टी गेट सीट इन द लेजिस्लेचर इन द प्रोपोर्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ द वोट्स दैट इट गेट्स, मतलब एवरेज बात क्या होता है इसमें, कहता है कि प्रत्येक पार्टी जो होती है उनकी जो सीट होती है जो लेजिस्लेचर में इन प्रोपोर्शंस बाय द परसेंटेज ऑफ द वोट्स दैट इट्स गेट्स, ठीक है, उनके वोट्स के हिसाब से इसको होता है। कैंडिडेट हु विंस द इलेक्शंस गेट्स मेजोरिटी ऑफ द वोट्स, एग्जांपल के तौर पर इजराइल में ऐसा सिस्टम जो देखा जाता है, इजराइल एंड नीदरलैंड का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग पीआरटी सिस्टम पर बहाल करते हैं वहां के नेताओं को, लेकिन भारत में केवल हमने इतना ही इसे अडॉप्ट किया है कि हमारे लोकसभा नहीं राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और विधान परिषद को इस माध्यम से चुना जाए, फर्स्ट जो हम देखते हैं प्रोपोर्शनल के माध्यम से, ठीक है, पीआरटी सिस्टम के माध्यम से। चलिए आगे देखिए, उसके बाद कहा बीन डिक्लेयर्ड बिफोर द इलेक्शंस दीज सिस्टम्स ऑफ इलेक्शंस इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल एक मिनट सॉरी ध्यान दीजिएगा उसी चीज को कहा। आगे देखते हैं हाउ डज पी आर टी वर्किंग इन द राज्यसभा इलेक्शन, और ये राज्यसभा में पी आर टी इलेक्शन किस तरह से काम करता है उसको समझते हैं, जिसमें कहता है कि द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम एसटीबी, इसमें यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ चर्चा होती है जिसको यहाँ पे आप कह सकते हैं द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यही आपको होती है एफ है ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको सिस्टम बोलते हैं एसटीबी सिस्टम, इज द फॉलोड फॉर राज्यसभा इलेक्शन, और इसी सिस्टम को राज्यसभा इलेक्शन में फॉलो किया जाता है, ठीक है, इसी को फॉलो किया जाता है इलेक्शन के तहत, ठीक है, जो राज्यसभा इलेक्शन होती है उसमें, ठीक है, और इसी का दो तिहाई जो संख्या होती है वह प्रत्येक 2 साल पर राज्यसभा का उसका क्या होता है पीरियड खत्म होता है, फिर दूसरे को चयनित किया जाता है, ठीक है। देखिएगा
राज्यसभा एवरी स्टेट हैज स्पेसिफिक कोटा ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, मतलब हर स्टेट जितने भी स्टेट हैं उनको एक स्पेसिफिक कोटा दिया गया है, उसी कोटा से चयन होता है। द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें क्या कहा, जो मेंबर होते हैं इलेक्ट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स स्टेट, जो रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स होते हैं, जो उसको प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य होते हैं, उनके माध्यम से स्टेट से लेजिस्लेटिव असेंबली तक, ठीक है। कहा टू बी डिक्लेयर्ड द विनर, और जो विनर होते हैं, अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एंड अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स विच ऑफ द डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। इसके कुछ फॉर्मूला होते हैं, उसके माध्यम से इसको डिक्लेयर घोषित किया जाता है, ठीक है। जिसमें देखिएगा क्या होता है, इसके फॉर्मूला क्या होता है, कहता है टोटल वोट्स पोल्ड, मतलब टोटल वोट जो था उसका अपॉन में, टोटल वोट्स अपॉन में, ध्यान दीजिएगा, टोटल वोट्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, देखिएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन। क्या समझ रहे हैं कहां से आता है, जो लोकसभा वाला जो हमने देखा था ना, उन सब इनके माध्यम से जो चुना गया था केवल उन्हीं का, ठीक है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल ऑफ फॉर राज्यसभा मेंबर्स हैड टू बी इलेक्टेड बाय द 200 एमएलएज इन द राज्यसभा राजस्थान, जैसे सपोर्ट में बाय द 200 एमएलएज इन राज्यसभा राजस्थान, द विनर वुड रिक्वायर्ड 4 प्लस इतना एंड 40 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे होती है, इसीलिए क्रिटिकल से समझिए। जैसे सपोर्ट डेट एमएलएज की संख्या, जो एमएलएज है इसकी संख्या आर ए राजस्थान में बोलते हैं, मतलब ध्यान, राजस्थान में सपोर्ट डेट या 200 यहां से टोटल एमएलए जा गए, कितने 200, 200 एमएलए जा गए, तो इसमें 4 से डिवाइड किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, तो कहा 200 टोटल था, बटा में चार, एक आपका पता था कि टोटल प्लस वन किए थे, तो ठीक है, तो यही 4 टोटल प्लस 1, तो जिसमें हमको 5 मिला और 5 से काटेंगे तो हमको 40, तो यह राजस्थान का सीट हो जाएगा। लेकिन इतना है कि नहीं वो तो बाद का चीज है, लेकिन मोटा मोटी इतना होगा, ठीक है। ऐसे ही करके हम इसको निकालते हैं। फिर कहा वोट्स, ठीक है, व्हेन द वोट्स आर काउंटेड इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स सिक्योर्ड बाय द ईच कैंडिडेट। और फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगा, जैसे कहने का मतलब जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिसके पास ज्यादा वोट होगी सिक्योर होगा उसके पास। फिर कहा हाउ विद द कैंडिडेट हैज ऑल सिक्योर्ड द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स एट द आफ्टर द कैंडिडेट आफ्टर द काउंटिंग ऑफ ऑल ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स। फिर कहा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द कैंडिडेट फेल टू फुलफिल द कोटा द कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड दैट द लोएस्ट वोट्स ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंसेस इन द इलिमिनेशंस एंड हिज हर या लड़का या लड़की जो भी होता है औरत या पुरुष हिज या हर वोट्स दोनों के वोट्स को और ट्रांसफर्ड टू दोज हु आर मेंशनड एज अ सेकेंड प्रेफरेंसेस ऑन दोज बैलेट पेपर। जो बैलेट पेपर उनको मिलता है, बैलेट पेपर आज भी मिलता है, उनका ही नहीं होता है कि ईवीएम के माध्यम से, नहीं, बैलेट पेपर से उनका चुनाव होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द रिक्वायर्ड मेंबर ऑफ द कैंडिडेट्स आर द डिक्लेयर इलेक्टेड, ठीक है। ये समझ में फॉर्मूला आया, चलिए इसको थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं। कहता है प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में सीटों को निश्चित कोटा प्राप्त होता है, हर राज्य में निश्चित, जैसे मान के चलो उत्तर प्रदेश में 80 है, कहीं कुछ है, बिहार में 16 है या 40 है, जो भी है, सपोर्ट डेट एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको लेते हैं, उसी पे आ रहे हैं, अभी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पॉइंट बचा हुआ है, जस्ट अ फ्यू मिनट लेटर देखिएगा। कहा प्रत्येक राज्य को राज्यसभा के सीटों को
निश्चित कोटा प्राप्त है और राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा इन सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। तो विधानसभा सपोर्ट है, देखिएगा बाबू साहब, विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और काउंसिल होगा तो विधान परिषद। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में मान के चलो 243 है, बिहार में 243 है विधानसभा, ठीक है। अब मान के चलो बिहार वाले 243 होगा, 243 और प्लस में एक यहाँ पे हम मान के चलते हैं 44, इसको मान लेते हैं सपोर्ट डेट, सपोर्ट डेट 44, तो बटा में चार था प्लस में एक पांच किए थे। अब इसको डिवाइड दे दीजिए और डिवाइड देके जो आएगा उतना सीट यहां से आएगा, तो फिर वही चीज यहां पे भी घटना घट जाएगी। तब ध्यान दीजिएगा, उसी तरह से यह सीटों का चयन होता है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इन्हीं के द्वारा इनके वोट दिया जाता है। अभी रुकिए, क्या कहता है कि इनमें राज्य के विधायक भी मतदाता होते हैं, जो राज्य के जो विधायक होते हैं और मतदाता चुनाव में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देते हैं। जैसे मान लीजिए राज्यसभा सीट के लिए सपोर्ट डेट राज्यसभा सीट है, उसी चीज को बता रहा हूं, राज्यसभा सीट है, मान के चलिए यहां कोई एक्स पर्सन खड़ा हुआ, यहाँ कोई वाई पर्सन खड़ा हुआ, यहाँ कोई जेड पर्सन, तीन पर्सन एक सीट के लिए, मान के चलिए एक सीट की रिटायरमेंट हुई है, तीन पर्सन यहाँ खड़े हैं। तो जब तीन पर्सन खड़े हैं तो मान के चलिए एक अनिल साहब हो गए, अंबानी साहब हो गए और उसके बाद अनुज साहब हो गए। अब तीनों आदमी का प्रिफरेंस तो अलग अलग होगा, सब चाहेगा कि मेरा बंदा बने, या हम यहाँ एक जेड साहब को हटा देते, एक्स वाई बस वैलिड रखते हैं। तो अनिल साहब या मान के चलिए अनिल अंबानी जो भी है, अनिल अंबानी पहला प्रिफरेंस इनको दे दिया, ठीक है। और उसी के बाद मान के चलिए यह जो अनुज साहब है, अनुज इनको दे दिए। तो प्रिफरेंस सबकी अलग होगी, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मान के चलिए 200 लोग हैं, तो 200 लोग तो वोट डालेंगे ना, तो जब 200 लोग वोट डालेंगे तो 200 की पसंद भी अलग अलग होगी तीनों में से किसी किसी। तो जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा उस जगह पे क्या होगा कि नीचे वाले का वोट इसमें फिर जाकर के इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि जिसका कम होता है, अब तीन लोग जैसे जेड भी है मान के चलो, तो जेड भी खड़े हैं, तो पहले इन दोनों का है तो इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा। मान के चलिए कि ये 20 सीट लाए हैं तो 20 में से दोनों को मान के चलिए इनको मिल गया, फिर इनको मिला, इस तरह से मिलते चला गया, तो इनका 20 खत्म हो गया, तो ये बाहर हो गए चुनाव से बाहर हो गए। जब ये बाहर हो गए तो फिर बच गए दो बच गए तो विनर तो ये ऐसे भी पहले से हो जाते हैं ना, इसी तरह से इसका किया जाता है, ठीक है। और जब विधान परिषद का देखिएगा वो और क्रिटिकल है, उसको फिर कभी दूसरे ऐसे ही समझा देंगे उसको 10-15 मिनट के वीडियो में, तो और ज्यादा क्रिटिकल है, उसमें 6 जगह से लिया जाता है, उसका और ज्यादा क्रिटिकल है, बताए थे एक बार। चलिए अब बताइए क्या दिक्कत है, चलिए आगे देखिएगा। फिर कहा खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार एक वरीयता क्रम में मत देना होता है और जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को मत का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, एक कोटा प्राप्त करना होता है और जो निम्नलिखित फॉर्मूलों के अनुसार पर होता किया जाता है, जैसे टोटल मतदान हो गया, जैसे मान के चलिए कुल मतदान हो गया, कहा कुल मतदान, उसी चीज को लिख रहा हूं, टोटल वोट जो है कुल मतदान हुआ, ठीक है, कुल मतदान हुआ और उसके बाद कुल विजयी उम्मीदवार, अब मान के चलिए कुल विजयी उम्मीदवार मतलब टोटल जो उम्मीदवार जीते हैं 100 प्लस में 1 और यह फॉर्मूला के हिसाब से प्लस में 1, तो इसके बाद प्लस में 1 है, ये तो प्लस में 1 हुआ और ये प्लस में टोटल के बाहर आउट ऑफ 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायक को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान के चलिए हम ध्यान देते हैं, एक राज्यसभा है, पता है
राज्यसभा पता है। तो जब राज्यसभा है कहता है कि उदाहरण के लिए यदि राजस्थान के 200 विधायकों को राज्यसभा के लिए 4 सदस्य चुनना है, मतलब 200 विधायक है राजस्थान के, एमएलए है, ठीक है, एमएलए जब लिखते हैं, और इनको चार क्या करना है, चार राज्यसभा के लिए चुनना है, यानी राज्यसभा सदस्य इनको कितने चुनने हैं, चार चुनने हैं, ठीक है, चार चुनने हैं, गौर से सुनिएगा, चार चुनने हैं। तो चुनता है तो विजयी उम्मीदवार को, जैसे जो विजयी उम्मीदवार होता है, जो विक्ट्री होते हैं, जो जीते हुए उम्मीदवार होते हैं, उनके लिए क्या होता है, टोटल कितने थे, 200, टोटल एमएलए कितने थे, 200 बटा में चुनना कितना है, चार, और फॉर्मूला के हिसाब से ऐड कितना है, एक, ऐड कर दिए। तो जब इस तरह से ऐड किए तो इस तरह से ब्रैकेट में कीजिए और प्लस में ध्यान दीजिएगा, तो दोनों को करने के बाद यहां पे क्या होगा, तो क्या बनेगा यहां, 200, अरे भैया फॉर्मूला के हिसाब से तो यही ना बनेगा, 200 अचार एक 5 प्लस में 1। अब ध्यान दीजिए जरा, अब इस तरह से अगर हम इसको करते हैं तो 5 चौका 20, यानी 40, 4 बार में 5 चौका 40, और दोनों ऐड हो गया तो 40 एक 41, समझ में आया। चलिए, तो कहा 41 वोटों की जरूरत पड़ेगी, तो यहां जो जरूरत पड़ेगी वोट 41, जरूरत यानी 41 वोटों की जरूरत पड़ेगी, फार्मूला समझ में आ गया, वेरी गुड। रुकिएगा, अब कहा वोटों की जरूरत पड़ेगी और ऐसे उस प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट मिलते हैं, मतलब जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले में जिनको कम वोट मिलते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उनसे वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है, जो कहा कि उनके वोटों को दूसरे में ऊपर नीचा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके बांट दिया जाएगा और प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसे करने में एक प्रत्यक्ष मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशियों को वह मत हस्तांतरित कर दिया जाता है और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखा जाता है जब तक वांछित संख्या 4 के बराबर ना आ जाए, यानी जो वांछित संख्या है वह 4 के इक्वल इक्वल नहीं आए तब तक वो प्रत्याशियों के वोटों को बांटा जाता है, उसके वोटों को बांटते 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 4 के बराबर लाया जाता है। उसके बाद कहता है प्रत्याशियों को विजय घोषित नहीं कर दिया जाता, यानी तब उसके प्रति विजय घोषित नहीं कर दिया जाता जब तक 4 के बराबर नहीं आता है तब तक। चलिए आगे देखिएगा, कहता है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है, जो सर्वाधिक मतलब जनता जिसको ज्यादा पसंद करती है उसी को क्यों की गई है, उसी चीज को कहा व्हाई डिड इंडिया एडॉप्ट द एफपीटीपी एफटीपी सिस्टम, क्यों किया गया फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, ठीक है। कहा द फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम ऑफर्ड वोटर्स अ चॉइस नॉट अ सिंपल बिटवीन द पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स इन अदर इलेक्टोरल सिस्टम्स स्पेशली पीआरटी सिस्टम, वोटर्स आर ऑफन आस्क्ड टू चूज अ पार्टी एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज लिस्ट, ठीक है। कहा यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है, मतलब वह साफ सुथरा विकल्प होता है कि वह चुन सकते हैं, और अन्य चुनावी व्यवस्थाओं में खास तौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं को किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, और लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार ही होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, कहा इन कंस्टिट्यूएंसीज बेस्ड सिस्टम लाइक द एफपीटीपी द वोटर्स नोन हु देयर ऑन रिप्रेजेंटेटिव्स इज एंड कैन होल्ड हिम और हर अकाउंटेबल, जिसमें कहा कि लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन निर्वाचन क्षेत्र में
मतदान जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन, मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व कौन है और उसे उत्तरदायित्व ठहरा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट में रिस्पॉन्सिबल उनका जो होगा जनता जो भी है। कहा जनरली गिव्स द लार्जेस्ट पार्टीज और कैंडिडेट सम मीरा, यानी जनरली आप जानते हैं कि जो बड़ी पार्टी बनकर उभरती है वही पार्टी क्या सरकार बनाती है और सुचारू तरीके से वह सरकार को रन करने का काम करती है। आगे देखते हैं जिसमें कहा संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रणाली कर प्रमाणित करता है। सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है और इनमें केंद्र और राज्यों के बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। तो प्रणाली करता है सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध हुई है और इसमें केंद्र और राज्यों के बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट है जिसमें करता है रिजर्वेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण क्या होता है उसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। जिसमें कहता है कि इन द सिस्टम ऑल वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर द एलिजिबल टू वोट बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग टू ओनली अ पार्टिकुलर कम्युनिटीज और सोशल सेक्शंस फॉर विच द सीट इज रिजर्व, ठीक है। जिसमें कहा इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, सभी मतदाता वोट तो उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूर हो जाती है और संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा राज्यसभा की विधानसभाओं के आरक्षण की व्यवस्था करता है और प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2020 2020 2020 तक कर दिया गया और आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है, ठीक है। जो आरक्षित क्षेत्र है ना उसके लिए पार्लियामेंट और आगे समय पीरियड बढ़ा देती है। कहा कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे या कौन तय करता है, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है, यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं और यह एक परिसीमन आयोग है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है, डेलीमेशन कमिटी कॉल्ड कमीशन, ठीक है। यह कहा डिसीजन इज टेकन बाय द इंडिपेंडेंट हाँ इंडिपेंडेंट बॉडी कॉल्ड द डेलिमिटेशन कमीशन, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ऐसा ही होगा हाँ कमीशन, ठीक है, जिसके परिसीमन आयोग कहते हैं, परिसीमन आयोग द्वारा ये निर्णय लिया जाता है। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है और इनका गठन करने का काम जो राष्ट्रपति साहब होते हैं, राष्ट्रपति साहब होते हैं वही इनका परिसीमन आयोग का गठन करते हैं और यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खरीदने के सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अ कोटा ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज टू बी रिजर्व इन इच स्टेट फिक्स्ड डिपेंडिंग ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ एससीज एंड एसटीज इन द स्टेट आफ्टर ड्रॉइंग्स द बाउंड्रीज द डेलिमिनेशन कमीशन लुक एट द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन ईच कंस्टिट्यूएंसीज। और जो डेलिमिनेशन कमीशन होता है यानी परिसीमन आयोग, इसके द्वारा जो पॉपुलेशन होती है कंस्टिट्यूएंसीज की उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या करना है। उसी चीज को कहा परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है और जिन निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ठीक है।
आगे अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्र को चुनता है जिसमें अनुसूचित जाति और अनुपात ज्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्र को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। और उसके बाद ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जाति का पूरे देश में बिखराव समरूप है, ठीक है, कि वो फैला हुआ है। हाँ, शेड्यूल्ड कास्ट। उसके बाद कहा, दिस इज डन बिकॉज द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज जनरली स्प्रेड इवेंटली और थ्रू आउट द, ठीक है, कहा कंट्री। जब कभी भी परिसीमन का काम होता है, इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, जो क्षेत्र होता है उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है? डेमोक्रेटिक इलेक्शन रिक्वायर्ड दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री मस्ट बी एलिजिबल टू वोट इन द इलेक्शंस। पॉइंट, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फॉर फ्रेंचाइजीज, ठीक है। यदि कहा, यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो, और चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके मतदाता की आकांक्षाएं चुनाव परियोजनाओं के न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त की सके। मतलब यह ट्रांसफरेबल की बात करता है, जो चुनाव होगा उसमें करप्शन की बात नहीं करता है, और जो चुनाव होगा उसमें न्यायपूर्ण ढंग से बात करता है। इसीलिए एक इलेक्शन कमीशन की गठन की गई है, और यह इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि पूरे भारत में चुनाव करवाने का काम करता है, और यह केंद्र स्तर पर है, राज्य स्तर का भी चुनाव करवाता है, लेकिन उसके लिए एक राज्य चुनाव आयोग की भी गठन की गई है। यह केंद्र स्तर की चुनाव आयोग हो गई इलेक्शन कमीशन, एक स्टेट स्तर की भी चुनाव आयोग की गठन की गई है, जो पंचायती राज्य का चुनाव करवाने के लिए, जिला परिषद के चुनाव करवाने के लिए, और जो आपका म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन होता है उसके चुनाव करवाने के लिए वह बाध्यकारी होता है, ठीक है। उसी के बाद 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों का वयस्क भारतीय माना जाता था, और 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 साल कर दिया गया, और वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों के लिए प्रतिनिधियों की चयन प्रतिक्रिया में भाग लेने के लिए जरूरत प्रदान करता है। यह सामान्य और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप का, जिसका अध्ययन हमने अधिकार वाले अध्ययन में किया था, यानी 1989 बिफोर आफ्टर, इसमें 21 वर्ष आयु वोट्स की कम किया, ये जो बराबर था, यह 18 वर्ष आयु वोट की या आयु थी उसकी, ठीक है, 1989 में, ठीक है। आगे देखिएगा, समझ में आ गया। अब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजीज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट, इसमें क्या होता है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। इसमें कहा, सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, और लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु अर्हता भिन्न होती है, मतलब एलिजिबिलिटी उसकी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, लोकसभा का विधानसभा चुनाव खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए, और कुछ और भी प्रतिबंध हैं, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई हो तो वह चुनाव लड़ने में योग्य नहीं होगा। अब देखते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, ठीक है, जिसमें कहता है कि आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिटेंडेंट्स इलेक्ट डायरेक्टर डायरेक्शंस एंड द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल। उसके बाद इलेक्शन इलेक्ट सॉरी इलेक्टोरल रोल, हाँ, एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। यानी आर्टिकल 324 के तहत आप देखते हैं, यानी आर्टिकल 324 के तहत एक चुनाव आयोग का गठन किया गया है, और यह
इसके तहत यह निडर होकर के भारत में चुनाव करवाने का काम करेगा। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है कि उसके बाद कहता है कि भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचित अधिकारी होता है, हर राज्य में होता है। ठीक है, फिर कहा 1899 के आम चुनावों के ठीक पहले दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर इसे बहुसदस्य बना दिया गया। मतलब ये जो इलेक्शन कमीशन जो होता था एसी, इसमें एक होता था, कब 1889 में, और इसी समय इसमें दो और इनके सहायता के लिए टोटल तीन कर दिए गए, तो एक मुख्य चुनाव आयोग और दो इसके और अन्य सदस्य। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के तीन हो गए हैं। कहता है चुनावों के बाद उसे फिर एक सदस्य ही बना दिया गया, यानी इन 1993 टू इलेक्शन कमिश्नर्स वर वंस अगेंस अपॉइंटेड एंड द कमीशन बिकम्स मल्टी मेंबर्स एंड हैज रिमेन्ड मल्टी मेंबर्स सिंस देन। ठीक है, एक बना दिया। उसके बाद 1993 में पुनः दो निर्वाचन आयुक्त, और यह चुनाव जैसे हो गया ना, इसमें इसको फिर एक कर दिया गया, और फिर 1993 में इसको फिर 1+2 कर दिया गया। ठीक है, 5 साल बाद 4 साल बाद फिर इसको बढ़ा दिया गया। आगे देखिए, उसके बाद कहा कि एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी सभी निर्णय के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां समान है, और उनका नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ इसको एडवाइजरी एडवाइस देती है, और उस एडवाइस पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहता है ऐसे में संभव है कि सरकार के द्वारा किसी किसी योग्य ऐसे हितैषी की नियुक्ति निर्वाचन आयोग में कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसकी शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया, और द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्ड द सिक्योरिटीज ऑफ द टेन्योर ऑफ द ECF, यानी हाँ CEF एंड इलेक्शन कमीशन, दे आर अपॉइंटेड फॉर द 6 years टर्म आर द कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 65 विच एवरी ईयर। इसमें कहा एवरी इल्डर क्या कहा ईयरली हाँ इसमें कहा कि संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा देता है, और उन्हें 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले खत्म हो, के लिए नियुक्त किया जाता है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, इनका 6 ईयर का कार्यकाल होता है। वर्किंग पीरियड कितना? 6 ईयर का होता है। लेकिन जैसे मान के चलिए कोई 61 एज में ईसी ही बना है, यानी इलेक्शन कमिश्नर बना है, तो यह 65 साल में फिर भी रिटायर हो जाएगा। मतलब 4 साल का कार्यकाल खत्म करके वह रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर यह 52 में बना है, तो 58 में जाकर के रिटायर होगा। ठीक है, और इनको रिटायर जो भी है राष्ट्रपति के माध्यम से ही सब कुछ होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, पावर बहुत होता है। फिर कहता है इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत को पारित कर इस आशय का एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा, और ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया है कि कोई भी सरकार उस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को न हटा सके जो चुनावों में उसकी तरफदारी करने से मना करे, और निर्वाचन आयुक्तों को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, दूसरा नहीं हटा सकता है। वह मतदाता सूचियों को नया करने का काम करता है, यानी जो आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया हैज अ वाइड रेंज ऑफ द फंक्शन, इट इज द सुपरवाइजर्स द प्रिपरेशन ऑफ अप टू डेट वोटर्स लिस्ट, यानी वोटर लिस्ट वगैरह, यह सारे तैयार करने का काम करता है।
फिर कहता है मतदान मतदाता सूचियों में गलतियां वगैरह होती है उसको सुधार करने का भी यह काम करता है। वह चुनाव का समय और चुनाव का पूरा कार्यक्रम तय करने का काम करता है चुनाव आयोग। फिर उसी में हम देखते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्णय लेने का अधिकार है और वह पूरा देश किसी राज्य या किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनावों को इस आधार पर स्थगित कर सकता है कि वहां माहौल नहीं है तथा स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं है। अगर लगता है कि कहीं धांधली हो सकती है या कुछ करप्शन हो सकता है तो वहां पे चुनाव या कैंसिल करवा सकते हैं। फिर कहा निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। द इलेक्शन कमीशन अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड और उसके बाद अलॉट सिंबल्स टू ईच ऑफ देम। ठीक है, अब चुनाव सुधार क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। कहता है आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन शुड बी चेंज फ्रॉम द ईपीटीपी उसकी ईपीटीपी टू सम वेरिएंट्स ऑफ द पीआर सिस्टम। ठीक है, कहा हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी भी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान के होने चाहिए और जिस उम्मीदवार के विरुद्ध फौजदारी का मुकदमा हो उसे चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए और भले ही उसके इसके विरुद्ध न्यायालय में अपील कर रखी हो। ठीक है, आगे चुनाव प्रचार में जाति और धर्म के आधार पर की जाने वाली किसी भी अपील को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए और राजनीतिक दलों को कार्य प्रणाली की नियंत्रण करने के लिए तथा उनकी कार्यविधि को कार्यविधि की और अधिक पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक कानून होना चाहिए। यह आपका अध्याय समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।